एक हमने बॉडी बनाई, उसको शेल कर लिया, ठीक है। शेल करने के बाद हमने कहा जी रिप, रिप का मतलब है कि ये वाली एज को मुझे काटना है, यहां से जब तक ये काटेंगे नहीं चारों एजेस तब तक वो खुलेगा नहीं, तो उसको रिप किया, तो उसने ये दोनों एजेस को अलग अलग कर दिया, यहाँ से चारों साइड से काट दी, ठीक है। पर अभी इसमें बेंड रेडियस नहीं आया, तो बेंड रेडियस लाने के लिए नहीं आया, पे पे क्लीन अप यूटिलिटी है। पर वो कह रहा है अगर हम विजार्ड में देखा था हमने कि पहले कहता ऑप्टिमाइज फेस कर लो, ठीक है, तो क्लीन अप यूटिलिटी करना आसान हो जाएगा। ऑप्टिमाइज हमारे को कोई फायदा नहीं है, कंप्यूटर को फायदा है, उसको पता लग गया कौन सी सरफेस कौन सी है, ये देखो लाइनें कितनी हैं, है ना, प्लेन कितने हैं, वो सारा कुछ आ गया। उसके बाद ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, ऑप्टिमाइज रिप हम कर चुके हैं, क्लीन अप यूटिलिटी चलाएंगे। बेस फेस पूछ रहा है वो, ठीक है, थिकनेस पूछ रहा है। उसके बाद बस इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो ये देखो इसमें बेंड लगा दिए इसमें, ठीक है। अब इसमें ना कुछ डिफॉल्ट बेंड रेडियस दिया होगा, वो उसने उसके हिसाब से लगा दिया जितना भी डिफॉल्ट बेंड रेडियस है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू शीट मेटल, बेस फेस दो, और कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलीफ रिलीफ दे सकते हैं, स्केयर कॉर्नर और क्या है, बस कुछ नहीं और देने की जरूरत है, बस इसको अप्लाई करो, ये सॉलिड टू शीट मेटल कन्वर्जन आ गया, ठीक है। बेंड लग चुके हैं, बेंडिंग रेडियस अगर हमारे को रीसाइज कर सकते हैं हम, ठीक है, हमने 20 mm का रेडियस कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लैट कर देंगे, बेस दिया तो ये फ्लैट भी हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट फ्लैट सॉलिड करो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरे पास एक सॉलिड बॉडी थी उसको हमने शीट मेटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई कि किसी सॉलिड बॉडी को, हम एक और एग्जांपल दिखाता हूँ फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सट्रूड कर लिया, फिर इसको शेल कर लिया, ठीक है। शेल करके हम आ गए एप्लीकेशन में शीट मेटल में, ठीक है। फिर हमने इसको कहा कि रिप करना है ये दो एजेस को, ठीक है। फिर हमने इसको कहा क्लीन अप यूटिलिटी में बेस फेस अप्लाई, तो इसने इन तीनों एजेस पे बेंड लगा देना है, नहीं कर रहा तो कन क्लीन अप यूटिलिटी चला देते हैं, बेस फेस ओके, ठीक है। तो ये बैंड लग गया देखो यहाँ पे भी। अब अगर मैं इसको फ्लैट सॉलिड कर दूं तो ये ऐसे खुल जाएगा। रिप करने से पैदा होता है, उसको ये पता लग जाता है कहाँ से काटना है।
ठीक है, बैंड कहाँ कहाँ देना है वो अपने आप देख लेता, वहां लगा देता बैंड। ठीक है, इसको फ्लैट सॉलिड कर दो तो वो सीधा हो जाएगा, समझ आई बात। एक वीडियो मैंने भेजी है, उसको देखोगे तो उसमें इससे एक स्टेप और भी आगे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें अगर दो दो बॉक्स के ऊपर बॉक्स है तो उसको कैसे काटना है वो भी दिया हुआ है। ठीक, और जो हमारा एक और ऑप्शन थी ये वाली, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बेस फेस सेलेक्ट करो और किस फेस को आपको बेंड करना है वो बताते हो। और इसमें ये साइड वाले फेज नहीं होते, इसमें एक ही डायरेक्शन में होएगा। यानी कि एक फेज ये दिया, उसके बाद ये दे सकते हैं, तो वो इतना ही बेंड होगा। तो साइड वाली साइडें नहीं आती इसमें, मतलब इधर वाली ये वाली एज को नहीं बना पाता वो फ्लेंज। ठीक है, नहीं तो एक काम कर सकता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पर रिप लगा दूं जल्दी से और फिर इसको करके देखूं। बना दिया भाई, बना दिया। ठीक है, तो रिप करना जरूरी है, तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फ्लैट सॉलिड। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।